पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनाई नई रणनीति। बंगाल चुनाव में भाजपा मारवाड़ी नेताओं के जरिए टीएमसी पर साधेगी निशाना। बंगाल में बाहरी बनाम भीतरी का नारा टीएमसी पर पड़ेगा भारी। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कि आखिर कैसे टीएमसी को हराने के लिए अब बीजेपी ने बंगाल चुनाव में मारवाड़ी नेताओं की एंट्री करा दी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तिथि जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे ममता बनर्जी और टीएमसी के हाथों से सत्ता फिसलती जा रही है। बीजेपी द्वारा अपनाई गई सियासी रणनीति के सामने सभी पार्टियां धराशायी हो चुकी है। इसी क्रम में अब बीजेपी ने जनता को अपने पक्ष में करने के लिए एक ऐसी चाल चली है जिससे जीत का ठप्पा लगना तय है और ममता बनर्जी को इस बात की हवा तक नहीं लगेगी। दरअसल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के उद्योग व्यापार में मारवाड़ियों की जबरदस्त धमक और प्रभाव को देखते हुए राजस्थान के नेताओं को बंगाल चुनाव में उतारा है। रिपोर्ट के अनुसार 50 से अधिक नेताओं को प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि 150 साल से भी अधिक समय से मारवाड़ी समुदाय बंगाल में है और आज जो कोलकाता दिखाई देता है उसे बनाने में इस समुदाय का एक बेहद अहम रोल था। पश्चिम बंगाल का हर मारवाड़ी अपने आप को अब बंगाली ही मानता है। कई मारवाड़ियों का तो ये तक कहना है कि वो किसी भी अन्य बंगाली से ज्यादा बंगाली है। परंतु बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले इनसाइडर आउटसाइडर यानी बाहरी भीतरी करने में टीएमसी विशेष रूप से राज्य के गैर बंगाली मतदाताओं को नाराज कर चुकी है, जो लगभग राज्य के 15% वोट रखते हैं, जिसमें मारवाड़ी समुदाय सबसे अधिक है। बंगाल में मारवाड़ियों के आने की कहानी 17वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, जब बीकानेर के व्यापारी मुगल सेना के साथ बंगाल पहुंचे थे। उस समय अपने धन के कारण इस समुदाय के प्रमुख को जगत सेठ का उपनाम भी मिला था। यहां तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भी इससे क्रेडिट लेना पड़ा था। आज मारवाड़ी परिवार जैसे खेतान, गोयंका, बिरला, शेख सरिया और न्योतिया पश्चिम बंगाल के अंदर सांस्कृतिक के साथ ही बंगाल के वाणिज्यिक परिदृश्य को भी चलाते हैं। लेखक और इतिहासकार सुदीप चक्रवर्ती बताते हैं, मारवाड़ी ही सांस्कृतिक नींव जैसे मंदिर, आर्ट गैलरी और प्रकाशन गृह चलाते हैं। वे साहित्य उत्सवों को प्रायोजित करते हैं। प्रतिष्ठित सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित कई फिल्में एक मारवाड़ी व्यक्ति द्वारा निर्मित की जाती हैं। बंगाल की प्रिय दार्जिलिंग चाय बनाने वाली लोपचू चाय की संपत्ति एक मारवाड़ी परिवार के पास 3 पीढ़ियों से है। कुछ ईसाई मिशनरी स्कूलों को छोड़कर कोलकाता में लगभग हर दूसरा स्कूल मारवाड़ियों का ही है। अस्पतालों से लेकर रेस्तरां तक, यहां तक कि शहर में भी बिजली की आपूर्ति का स्वामित्व मारवाड़ियों के पास ही है। यानी देखा जाए तो एक तरह से ये विधानसभा चुनावों में एक्स फैक्टर साबित होने वाला है। यही कारण है कि अब बीजेपी ने इन्हें अपने पक्ष में करने के लिए राजस्थान के करीब 50 नेताओं को सिलगुड़ी से लेकर कूचबिहार तक और कोलकाता से बर्दवान तक का चुनाव प्रबंधन का जिम्मा सौंपा है। न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार एक दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में मारवाड़ियों व हिंदी भाषी मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। इस हिसाब से क्षेत्रों के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश संगठन के पदाधिकारी भजनलाल शर्मा के पास है। इनके अलावा संगठन से बगैर दायित्व वाले लोग भी पश्चिम बंगाल में काम कर रहे हैं। इसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल है। जुगल शर्मा, चौमून से श्याम शर्मा, धनराज सोलंकी आदि के नाम भी इनमें शामिल है। इसी तरह जयपुर के पूर्व डिप्टी मेयर मनीष पारेख, अजमेर के डिप्टी मेयर नीरज जैन सहित कई लोग पहुंच चुके हैं। वहीं राज्य के राज्यपाल जगदीप धनखड़ राजस्थान से ही हैं। जिस बाहरी भीतरी राजनीति को अपनाकर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लोगों को बांटकर चुनाव जीतना चाहती थी, अब वही उन पर भारी पड़ने वाला है। बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले यह एक ऐसी चाल चली है जिससे ममता बनर्जी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा।